जय हिंद एवरीवन, जय हिंद लावण्या, यथार्थ, विपिन, दृष्टि, यश, विजयरा, जय हिंद शिव। आजकल शिव सबसे पहले आता है, लास्ट तक रहता है कि नहीं रहता है? तो क्यों, जय हिंद भैया, जय हिंद। जय हिंद अर्चना, चलिए एक बार शेयर कर दो, बुलाओ सबको शिव। बाकी के कहाँ, अल्फा वाले सारे? जय हिंद यश, जय हिंद सागर। ओके, सो आज क्या तारीख है भैया? 1 मार्च हो गया है 2023 का, तीसरा महीना आ गया है। आई एम गुड दृष्टि, जय हिंद राधिका, लावण्य आए हैं आज तो। एक और उसको बुला ले, आर्य को फटाफट। चलो देखो, तो आपका जो फैब जो है, फैब के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम कोशिश करेंगे कि आज सारे कर ले। नहीं भी हो पाते हैं तो मैं ये फाइल पूरी की पूरी फैब है इसमें, वो आपको टेलीग्राम पर दे दूंगी, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट 2023 रिपोर्ट? जय हिंद आलोक, जय हिंद तनिष्क। कल से एग्जाम है तो क्या हुआ, कोई लोड नहीं है। जय हिंद बच्चों, जय हिंद। बताओ, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है, कौन जारी करता है इसको? यश बेटा, ये एबीसीडी ना लिखा कर। जय हिंद हिमांसा, क्या होना चाहिए सही आंसर इसका? आंसर होगा यूनाइटेड नेशन, है ना? अगर अभी भी पढ़ने के बाद भी गलत आंसर करोगे तो कैसे काम चलेगा भाई? यूनाइटेड नेशन, ना कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जय हिंद भूमिका, जय हिंद। आंसर क्या है इसका? आंसर है यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी की थी और इंडिया की ग्रोथ बताई थी इसने 5.8%, ठीक है? चलो, India signed an MOU with which country to exchange the program of different genre in radio and TV platforms? ये बताओ, ये तो सबको याद होना चाहिए। इसका आंसर बताओ क्या होगा? ये सबको याद होना चाहिए भैया। आंसर क्या है इसका? इजिप्ट। आंसर क्या है? इजिप्ट। इजिप्ट की कैपिटल क्या है? इजिप्ट की कैपिटल है कायरो। इजिप्ट के साथ हमने मिलिट्री एक्सरसाइज की है साइक्लोन 1। इजिप्ट के प्रेसिडेंट रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट थे अब्दुल फतेह अल सीसी। और इजिप्ट जो है, इजिप्ट ने हमें क्या किया है, स्वेज कैनाल के पास लैंड देने का प्रॉमिस किया है, बिजनेस लैंड मिलेगी हमको वहां पर। इसके अलावा और क्या, इजिप्ट में क्या हुआ था अभी, शूटिंग फेडरेशन की वो हुई थी, ठीक है? वहां पर ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने गोल्ड जीता है। और इजिप्ट में हुआ था COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, किसका? UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change. चलो, दिलीप महल लोबस, who was awarded the Padma Vibhushan Award in 2023, was associated with which profession? बताओ। Suez Canal दुनिया की सबसे कहना चाहिए ऐसी कैनाल है जहां से बहुत ट्रेड जो है बहुत ज्यादा होता है, और वहां पे लैंड मिलना स्ट्रेटजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होगी इंडिया के लिए, है ना? तो ये रिलेटेड है भैया, क्या है, डॉक्टर कह लीजिए इनको, किस चीज से जाना जाता है इनको, ORS से जानते हैं हम, है ना? इसके अलावा मुझे ये बताओ कि कितने लोगों को मिला है इस बार पद्म विभूषण? 6 लोगों को, भूषण 9 लोगों को, और पद्मश्री 91 लोगों को, ठीक है? ये 6 नाम याद है किसी को? दिलीप महान लोबिस, मुलायम सिंह, जाकिर हुसैन, एस एम कृष्णा, श्रीनिवास वर्धन और बालकृष्ण दोषी। ये 6 नाम आपको याद रखने हैं, इनको इस बार क्या मिला है, पद्म विभूषण मिला है। रिपीट करो फटाफट 6 नाम, दिलीप महान लोबिस, मुलायम सिंह, जाकिर हुसैन, एस एम कृष्णा, श्रीवर्धन और श्रीनिवास वर्धन और बालकृष्ण दोषी। दीज आर दी 6 पीपल जिनको इस बार क्या मिला है, इस बार का पद्म विभूषण मिला है, ठीक है? ये लिखे हुए हैं नाम, ओडेसा
पोर्ट सिटी विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री. मैं बार बार बता चुकी हूँ ये, इसको यूनेस्को की डेंजर हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है. ये किस देश का है? तो भैया सबसे ज्यादा डेंजर जो अभी बना हुआ है वो किस देश में बना हुआ है? यूक्रेन में बना हुआ है, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से. तो ये जो ओडेसा है, ठीक है, ओडेसा कहाँ है? यूक्रेन में है. कहाँ पर है? यूक्रेन में. ऐसा एक क्वेश्चन सीडीएस में पूछा था पिछली बार अगर याद हो तो. आफ्टर चाइना विच इज द सेकेंड कंट्री द वर्ल्ड टू स्टार्ट अ ट्रेड प्लस वन सेटलमेंट साइकिल. ये मैंने बताया भी था कि ये क्या होता है, हाँ ना, यूक्रेन का है ये. उड़ीसा नहीं, ओडेसा है. ओडेसा पाठक कहाँ है? क्यों प्रियंशा की? इंडिया. बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? इंडिया होगा. ये क्या है मैं बता देती हूँ वापस से, कि जब आप ट्रेडिंग करते हो ना, जो शेयर मार्केट होता है, तो आपका जो भी अमाउंट बढ़ता है घटता है ना. अभी हमारे पास T+2 था. T+2 मतलब विद इन 48 आवर्स या फिर T+3 ऐसे करके होता था. 48 आवर्स के बाद आपका जो टोटल अमाउंट है वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता था. बट दिस T+1 विद इन 24 आवर्स वो जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने लगेगा. ठीक. वॉट इज द नेम ऑफ द क्लस्टर ऑफ डिजिटल सोल्यूशन लाइक आधार, UPI, डिजी लॉकर, कोविन, जैम ट्रिनिटी एंड GSTN? बताओ, भारत ई प्लेटफॉर्म, इंडिया स्टेक्स, ई भारत या डिजी भारत? जल्दी जल्दी आंसर करोगे तो हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगा पाएंगे, बिकॉज ये हमने पढ़ा हुआ है. जय हिंद सौरभ. ये मुकेश भावेश का है दोनों. पढ़ने के बाद अगर गलत आंसर कर रहे हो तो समझ लेना कि खतरे में हो अभी. ठीक है, आंसर होगा इसका इंडिया स्टेक. इंडिया स्टेक जो है एक मल्टीलेयर क्लस्टर है डिजिटल सॉल्यूशन, जिसमें आधार, UPI, डिजी लॉकर, कोविन सब कुछ जो है आप क्या कर सकते हो, डिजी लॉकर समझते हो, उसी टाइप का हुआ है भी. ठीक है, चलिए. पर्स सीन विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच एक्टिविटी? तो मैं ही बता देती हूँ आपको इसका मीनिंग जो है वो क्या है. फिशिंग है. फिशिंग की एक मेथड है ये बेसिकली. ठीक है, तो अभी ये काफी ज्यादा न्यूज में रही थी. सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशनली अलाउ कर दिया था पर्स सीन फिशिंग को. ठीक है, तो तमिलनाडु वाला एरिया है ना, वहां पर. विच इंस्टीट्यूशन इशूज द सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट के बिहाफ पर. सब पढ़ा है ये, 1 फरवरी का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, अभी डेट के साथ लिखा हुआ है ना. कौन सी संस्था सरकार की ओर से सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करती है? RBI, सेबी, नीति आयोग या फिर BSE? आज तुमको ये रियलाइजेशन हो जाना चाहिए कि पढ़ने के बाद भी अगर हम नोट्स बना करके रिवाइज नहीं कर रहे तो हम गर्त में ही जा रहे हैं, है ना. कितना भी आप पढ़ लो, मैं बार बार कह रही हूँ, कितना भी आप पढ़ लो, इफ यू आर नॉट रिवाइजिंग एवरीथिंग इज वेस्ट, पहली चीज. दूसरी चीज ये कि जब हम क्लास में, मान लो मैं रिवाइज कराती हूँ, तो जरूरी नहीं है सारी चीजें रिवाइज हो जाती हूँ. एक क्वेश्चन से रिलेटेड जो पेरिफेरल कवर होता है वो तो मैं करा देती हूँ, बट डेली बेसिस पर अगर आप कवर नहीं करोगे, एवरीथिंग इज यूजलेस, है ना. इस चीज को समझो. ठीक है, आंसर होगा इसका RBI. द फर्स्ट ट्रेंच ऑफ सॉवरन ग्रीन बॉन्ड इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्थ ₹8,000 करोड़. ठीक है, इसके अलावा आप याद ये रखना, क्या याद रखोगे, कि जैसे कि हमने पढ़ा था ट्रेजरी बिल्स, बताए मैंने आपको ट्रेजरी बिल्स क्या होता है वो भी समझ लो. गवर्नमेंट को जब पैसे की जरूरत होती है तो गवर्नमेंट एक पेपर पे लिखती है कि भैया हमें इतने पैसे दे दो, और वो पेपर मार्केट में बेचती है डिस्काउंटेड रेट पर. तो जो व्यक्ति खरीदता है वो, मान लो ₹100 लिखे हैं उस पेपर पे, तो वो व्यक्ति उसके ₹95 देगा. ठीक है, गवर्नमेंट को लोन दे रहा है वो एक तरीके से. फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, जब वापस करेगी ना, तो उसको 100 वापस करेगी, क्योंकि ₹5 का उसको क्या हुआ, फायदा हुआ. ये जो बॉन्ड होते हैं, है ना, इनको बॉन्ड ही कहते हैं या फिर ट्रेजरी बिल्स कहते हैं. ये भी कौन, गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन बेचता है? ये भी बेचता है RBI. RBI से रिलेटेड एक क्वेश्चन नया देती हूँ तुमको. हु वॉज अ फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ RBI? चलो इसका जवाब देना. RBI की पहली फीमेल गवर्नर कौन है? अर्चना, सेबी कब लगाना है? आंसर मैं बता देती हूँ, अगर नहीं याद हो, जब भी स्टॉक से रिलेटेड कोई भी चीज होगी ना, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ भी है अगर, तब आप आंसर में क्या लगाओगे, सेबी लगाओगे, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ठीक है,
नहीं रेडी नहीं है. द मॉन्यूमेंट मित्रा स्कीम वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म टू विच मिनिस्ट्री. आधे से तो आते ही नहीं है. ये जिनको मजाक लगता है ना पढ़ना करंट अफेयर्स और क्लास देखना, एक घंटे नहीं देख पाते, रिकॉर्डेड देख लेंगे. आने दो 16 अप्रैल. तुम फीमेल है बेटा. अरे बनी है. अरे है तभी तो पूछा है. मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है ना, टूरिज्म से ये कहां पर ट्रांसफर हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. मॉन्यूमेंट मित्र से क्या समझ में आ रहा है कि जो मॉन्यूमेंट्स के प्रिजर्वेशन के लिए. नेशनल टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट. ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं. दक्ष आ गया है. कृष्णा कहाँ है? दीपांशु की तबीयत ठीक नहीं हुई और अभी. अनुराधा पोडवाल कैसे होगी यार? नहीं चलो पहले इसका आंसर करो, बताती हूँ. ये कहाँ मनाया गया है? तेलंगाना में मनाया गया. यार पड़ा हुआ है फिर भी न्यू दिल्ली बोल रहे हो. तेलंगाना 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 जो है वो क्या है, सही आंसर है इस बार का. टूरिज्म डे कब होता है? टूरिज्म डे 25 जनवरी को होता है. गर्ल चाइल्ड डे भी होता है 25 जनवरी को. ठीक है, योगा डे कहाँ मनाया गया था ये बताओ. टाइगर्स डे कहाँ मनाया गया था ये बताओ, विद डेट बताना. टाइगर्स डे 29 जुलाई तडोबा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, और योगा डे 21 जून मैसूर कर्नाटका. है ना, गुड. कोई बात नहीं शिव, अब याद रखना. व्हाट इज द नेम ऑफ द फिफ्थ स्टील स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन व्हिच वाज रिसेंटली कमीशन्ड इनटू द इंडियन नेवी. जय हिंद मुकेश. INS वाघीर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा. INS वाघीर. ये पता है किस प्रोजेक्ट के अंदर बनी है? अंडर प्रोजेक्ट 75 जो आपके CDS के एग्जाम में भी पूछा गया था. किस कंट्री के साथ? फ्रांस के साथ था प्रोजेक्ट 75 जिसके अंदर 6 है. कौन कौन सी? कलावेरी, खांडेरी, करंज, वेला, वाघीर, वाक्षीर. है ना, 5 तक बन गई है, छठवी बची हुई है वाक्षीर. और प्रोजेक्ट 75 आई इज अबाउट टू साइन विद जर्मनी. प्रोजेक्ट 75 आई किसके साथ साइन होने वाला है? जर्मनी के साथ. और हमने शर्त ये रखी है कि भाई आपकी जो सबमरीन बनाने की टेक्नोलॉजी है वो आप हमको देंगे. ठीक, चलो. विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च एन इंफॉर्मेशन डेटाबेस इंक्लूडिंग द रेस्पिरेटरी ऑफ इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू म्युनिसिपल बॉन्ड्स. किस संस्थान ने म्यूनिसिपल बॉन्ड से संबंधित सूचनाओं के भंडार सहित एक सूचना डेटाबेस लॉन्च की है? आरबीआई, सेबी, एडा या फिर एनएससी, बताओ. हाइड्रोजन ट्रेन बनाने वाला जर्मनी पहला देश है और एशिया में चाइना पहला देश है. ठीक है ना, बताओ आंसर किस क्या होगा इसका. डेटाबेस की बात कर रहे हैं, इसका आंसर होगा सेबी, बिल्कुल ठीक है. ओलाफ शॉल्स, हाँ. सेबी क्या फुल फॉर्म है सेबी का? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. कब बना था सेबी? 1988 में बना था. ठीक है, और सेबी को स्टैट्यूटरी स्टेटस कब दिया गया था? 1922 में. स्टैट्यूटरी स्टेटस का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ. ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसको क्या किया हो, किसी एक्ट के माध्यम से स्थापित किया गया हो. तो उसका एक्ट कब लाया गया था? 1992 में लाया गया था. सेबी की अभी चीफ कौन है? माधवीपुरी बुच है. कौन है अभी? अर्चना आ गई है, मुझे दिख नहीं रही. मुकेश ये बाकी का है? माधवीपुरी बुच है. ठीक, माधुरी नहीं, माधवी.
वर्ल्ड बैंक हैज एप्रिशिएटेड विच कंट्री फॉर इट्स ट्रांजेक्शन फ्रॉम पुअरेस्ट टू वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री. बताओ, वर्ल्ड बैंक ने बड़ी तारीफ करी भैया कि तुम एकदम पुअर थे और एकदम फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री बन गए हो, क्या बात है क्या बात है क्या बात है करके. तो आंसर क्या है इसका? बांग्लादेश. बिल्कुल सही आंसर क्या होगा इसका? बांग्लादेश होगा. क्यों अच्छा दिख रही? ठीक है, आगे. बांग्लादेश की कैपिटल बताओ. बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका है ना. और ढाका में हेडक्वार्टर है किसका? बिम्स्टेक का. किसका हेडक्वार्टर है? बिम्स्टेक का. बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक, जो कि कब बना था? 1997 में बना था. याद रखना, एक क्वेश्चन मैंने रिसेंटली देखा है, इसका क्वेश्चन ये पूछा गया था, बिम्स्टेक किस रेजोल्यूशन के तहत बनाया गया था. क्वेश्चन रिसेंटली क्वेश्चन देखा है मैंने, एफकेट के जब क्वेश्चन ढूंढ रही थी बच्चों के लिए तब. ठीक है, तो उसका आंसर है बैंकॉक रेजोल्यूशन. और इसका पहला जो है ना, पहली मीटिंग भी कहाँ हुई थी? बैंकॉक में हुई थी. याद रखना, जिस तरीके से सार्क का भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सार्क कहाँ बना था, भले ही हेडक्वार्टर अभी काठमांडू नेपाल में है, पर पूछा ये था कि सार्क कहाँ बना था, वैसे ही पूछ सकते हैं बिम्स्टेक बैंकॉक रेजोल्यूशन. बैंकॉक में ही इसकी क्या हुई थी? पहली मीटिंग हुई थी. बट करंटली कहां पर है हेडक्वार्टर इसका? जल्दी बोलो, कहां है हेडक्वार्टर इसका? तो अभी करंटली इसका हेडक्वार्टर है बच्चों ढाका में. ठीक है, सार्क ढाका में बना था. सार्क कहां बना था? ढाका में. पर इसका हेडक्वार्टर कहां शिफ्ट कर दिया? काठमांडू में कर दिया. ठीक है, चलो. As per the Finance Ministry data, the Atal Pension Yojana subscribed the figure crossed which milestone? कितने हो गए हैं भैया Atal Pension Yojana में? बताओ. आंसर बोलो. 10 million, 5 million या 50 million? आंसर इसका 10 million. ठीक है. Which state announced to book men who marry minor girls under the stringent laws presiding imprisonment? कहाँ पर हुई थी ये चीज? Child marriage वाली, याद है सभी को? बिल्कुल. आंसर क्या है इसका? असम. असम की कैपिटल बोलो दिसपुर. असम के चीफ मिनिस्टर बोलो हेमंत बिस्वा शर्मा. असम के पांच नेशनल पार्क KMNO, कांजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रू साइखोवा, दिहांग पटकई और रायमोना. नेशनल पार्क्स बोलो, कांजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, दिहांग पटकई, डिब्रू साइखोवा और रायमोना. और असम को जीआई टैग दिया गया है. किसके लिए जीआई टैग मिला है असम को? गामोसा या फिर गमछा, ऐसे याद रख लो. ठीक है, गामोसा या फिर गमछा. और इसके नए गवर्नर लिखे हैं सागर ने, वेरी गुड सागर, गुलाब चंद कटारिया है ना. नए गवर्नर कौन है असम के? गुलाबचंद कटारिया है. व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन स्पेस मिशन टू ऑब्जर्व द सन? सन के लिए पहला स्पेस मिशन इंडिया का कौन सा है? बाइको फेस्टिवल. ठीक है, ये आर्या क्यों नहीं आई? मुकेश, ये भावेश, राज, ये लोग कहाँ हैं? ऋषभ भी नहीं आ रहा आजकल. आदित्य L1, बिल्कुल. आंसर क्या होगा इसका? आदित्य L1. और आदित्य तो नाम ही होता है ना सन का. चलो, विच स्टेट अनाउंस टू गिव मंथली अलाउंस टू अनएम्प्लॉयड यूथ फ्रॉम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर? कौन जो है बेरोजगारी भत्ता देगा? हाँ, तुम तो हो ही सही, तुम तो पढ़ लिख के होशियार बन जाओगे, यही रह जाएंगे नालायक. छत्तीसगढ़. ठीक है भैया, छत्तीसगढ़. ठीक है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस इन 2023? चाइल्ड साइंस कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है?
जय हिंद युवराज। चाइल्ड साइंस कॉन्फ्रेंस, और लाइक कर दिया करो यार, तुम लाइक नहीं करते, कैसे लोग हो। आंसर इसका अहमदाबाद। और जो नेशनल साइंस कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ हुई है? नेशनल साइंस कॉन्फ्रेंस वो हुई है नागपुर में। कहाँ हुई है? नागपुर में। पहली नेशनल साइंस कांग्रेस, देखो इस बार वाली जो है वो 108 है, पहली हुई थी 1914 में, कहाँ पर? कोलकाता में, ठीक है। और कल जो है नेशनल साइंस डे था, सीवी रमन ने उसी दिन क्या खोजा था? रमन इफेक्ट खोजा था, ठीक है। विच स्टेट इज अंडरटेकिंग द कास्ट बेस्ड सर्वे? बताओ, जाति आधारित सर्वे कौन करा रहा है? झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश। बेंगलोर में देखते हैं, अभी यही आएगा बेंगलोर में क्या हुआ है। बिहार ना, एमपी नहीं है, बिहार बिहार बिहार। कास्ट बेस्ड सर्वे कौन करा रहा है? बिहार। यूएस बेस्ड हिंडनबर्ग रिसर्च पब्लिश्ड अ रिपोर्ट अक्यूजिंग विच बिजनेस ग्रुप फॉर स्टॉक मैनिपुलेशन? बहुत बड़ी न्यूज है, सब जानते हैं, तो जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अडानी ग्रुप, एग्जैक्टली, है ना। आंसर क्या होगा? अडानी ग्रुप, जिसके बाद इनके शेयर गिर गए थे, हालांकि अब सब कुछ मेंटेन हो गया है लगभग। विच स्टेट अनाउंस गिविंग मंथली अलाउंस? तो हो गया था छत्तीसगढ़। इन विच चाइल्ड साइंस कांग्रेस? ये हो गया अहमदाबाद। IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, इंडिया का ग्रोथ रेट, बताओ, फटक नहीं है? अरे मतलब स्टॉक मार्केट में तो फिर भी नेटवर्थ तो हो गई है, नेटवर्थ को तो घाटा लग ही गया है, पर स्टॉक में अब वापस से मेंटेन कर लिया है ना उन्होंने, उतने डाउन नहीं है अब शेयर। दक्ष, आंसर क्या है इसका? 6.1। इतना घमासान हुआ था इस बात पे, फिर भी गलत जवाब दे रहे हो। 6.9 भेज दिया है अगले साल के लिए, अगले साल के लिए, ठीक है ना। चलो, विच स्टेट और यूटीज टैबले वॉन द बेस्ट टैबले अवार्ड फॉर रिपब्लिक डे? किस राज्य की झांकी जीती है भैया? किस राज्य की झांकी है? उत्तराखंड की ना, किसकी? उत्तराखंड की, बिल्कुल। उत्तराखंड के गवर्नर का नाम बताओ। कल पढ़ा था उत्तराखंड के बारे में कि भैया यमुना, जो यमुनोत्री से लेकर के वो जानकी, क्या नाम था जगह का, वहां पर ब्रिज बना रहे हैं, फिर एंटी चीटिंग वो लेकर के आए, ये महिलाओं को 30% का रिजर्वेशन दिया है। शिव प्रताप तो हिमाचल प्रदेश के, बेटा कैसी बात कर रहे हो तुम लोग। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, एग्जैक्टली। चलो, हु हैज बीन सिलेक्टेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ NMDC? ये बताओ, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट काउंसिल के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन बने हैं? क्या होगा सही आंसर? तो आंसर इसका निखत जरीन। निखत जरीन क्या है पता है आपको? निखत जरीन जो है वो बॉक्सर हैं, और इन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में क्या जीता है? गोल्ड जीता है। विच इंडियन बैट्समैन हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द क्रिकेट? रिटायरमेंट किसने अनाउंस किया है भाई? मुरली विजय, शिखर धवन, दिनेश कार्तिक या फिर KL राहुल? मुरली विजय। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स? इंडियन एयरफोर्स के नए वाइस चीफ कौन बने हैं? बड़े क्वेश्चन, अगर जल्दी जल्दी लगा पा रहे हो तो पेपर में टाइम बचा लोगे। AP सिंह, अमनप्रीत सिंह, अमरप्रीत सिंह, ठीक। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू जनरल मैनेजर ऑफ सेंट्रल रेलवे? जनरल मैनेजर बोला है, ठीक है, अनिल कुमार लाहौटी नहीं लगा देना, बता देती हूँ मैं, नरेश लालवानी, ठीक है, नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। वॉट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट नेजल COVID-19 वैक्सीन? नेजल वैक्सीन का नाम क्या है कोविड की? ये इंपॉर्टेंट है।
इनकोवैक, क्या है इनकोवैक, और इसको किसने बनाया है, भारत बायोटेक ने बनाया, किसने बनाया उसको, भारत बायोटेक ने बनाया। विच इंडियन पोइट हैज बीन इलेक्टेड एज अ करस्पॉन्डिंग मेंबर ऑफ द अकेडमी लेटर ऑफ ब्राजील, बताओ इंडिया के पोइट है जिनको अकेडमी लेटर ऑफ ब्राजील का क्या बनाया है, मेंबर बनाया है, ए के मल्होत्रा, दिलीप चित्रे, शिव के कुमार या फिर अभय के, बताओ आंसर, आंसर होगा इसका डी, अभय के, है ना, पढ़ा हुआ है ना, अभय के। आज की क्लास के बाद एक लेसन ले लेना कि कैसे भी लिखो, एक पन्ने पर लिखो चाहे, पर रिवाइज करना नहीं तो सब भूल जाओगे। Which Indian American has been nominated for appointed to the grade of Air Force Brigadier General? बताओ आंसर इसका क्या होगा, आंसर ग्रेड ऑफ एयर फोर्स ब्रिगेडियर जनरल पर अपॉइंट होने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं, राजा जे चारी बने हैं, कौन बने हैं, राजा जे चारी। How many people have been selected for Padma Vibhushan Award this year? कितने लोगों को पद्म विभूषण के लिए सिलेक्ट किया गया? So there are 6 people. मैं नाम रिपीट कर रही हूँ, तुम भी रिपीट करो। One stab with the force, second stab with the hostel. मुकेश आया था ना? मुकेश और भावेश को उठा लिया कर बेटा, पढ़ लेगा वो भी। नाम बोलो। दिलीप महान लोबस, मुलायम सिंह, जाकिर हुसैन, बालकृष्ण दोषी, एस एम कृष्णा और लास्ट इज श्रीनिवास वर्धन। ठीक है, ये नाम याद करने पड़ेंगे। छह, हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022, आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर। पंचायत ना करो, जो बोल रही हूँ वो करो बेटा। बाबर आजम, ठीक, कहाँ के हैं ये बाबर आजम, और इनको वो मिला है, ये वाला भी मिला है, सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी और मेंस के क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी बने, ये वाला याद रखना, दिस वन इज इम्पोर्टेंट। फॉर द आदित्य एल1 प्रोजेक्ट ऑफ द इसरो, हु हैज मेड द विजिबल लाइन एमिशन कोरोनाग्राफ पेलोड, बताओ इसरो के आदित्य एल1 प्रोजेक्ट के लिए विजिबल लाइन एमिशन कोरोनाग्राफ पेलोड किसने बनाया, भाभा, डीआरडीओ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स या फिर आईआईटी मुंबई। आंसर होगा इसका सी, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक, बेंगलुरु में है। विच स्टेट अनाउंस टू बुक मैन मैरी, ये हो गया असम, आदित्य एल1 हो गया है, मंथली अलाउंस हो गया है, कास्ट बेस्ड सर्वे यथार्थ कहाँ का है, बिहार का है। अच्छा मैंने रिवीजन के लिए डाले रहे होंगे क्वेश्चन। अटल पेंशन में कितना, 10 मिलियन। चलो निधि आपके निकट किसका है ये प्रोग्राम, निधि आपके निकट प्रोग्राम किसका है ये प्रोग्राम, निधि आपके निकट, हाँ अक्ष, आंसर क्या होगा इसका, तो आंसर इसका ईपीएफओ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च अ मैसिव आउटरीच प्रोग्राम निधि आपके निकट। ठीक है, विच कंट्री प्लान्स टू बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट फोटोनिक बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर, फोटोनिक बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर, आपको पता है क्वांटम कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज्यादा होती है ना, बताओ फोटोनिक बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर, फ्रांस, जापान, नाइजीरिया या फिर कनाडा, जल्दी जल्दी आंसर करो, क्या होगा आंसर, कनाडा, ना जापान नहीं है, कनाडा, 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 हर टेक्नोलॉजी वाले चीज का आंसर जापान नहीं होगा भाई, आंसर क्या है इसका, कनाडा। हु लॉन्च द नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल मरीन, बताओ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज का जो नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल है मरीन, ये किसने लॉन्च किया है,
1930 हैमिल्टन कनाडा। बिल्कुल, आंसर बोलो इसका क्या होगा। आंसर इसका सर्वानंद सोनोवाल, जो कि क्या है, हमारे मिनिस्टर ऑफ वाटरवेज एंड शिपिंग है। ठीक, चलिए। विच कंट्री हैज अ पुअरेस्ट इकोनॉमी इन द साउथ एशिया अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक? बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस या फिर पाकिस्तान? वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जय हिंद सागर, गरीब देश इकोनॉमी। ऑप्शन इज डी, पाकिस्तान। वेयर डिड द टू डे इंसेप्शन मीटिंग ऑफ स्टार्टअप 20? स्टार्टअप 20 की मीटिंग कहाँ हुई है, सूरत, पटना, हैदराबाद या फिर नोएडा? नल्ला, आंसर करो पाकिस्तान। क्यों इतना रोना क्यों आ रहा है पाकिस्तान के नाम पे तेरे को आयुष? आंसर क्या है बच्चों इसका, तो ये हुई है हैदराबाद में, ना सूरत में नहीं हुई, हैदराबाद में हुई है। इन विच स्टेट डिड द हेल्थ मिनिस्टर नवा किशोर दास डाई आफ्टर बीइंग शॉट बाय अ पुलिसमैन? किस स्टेट के पुलिस वाले ने इनको गोली मार दी थी? अर्चना, क्या होगा आंसर? कार रेस, ग्रीन सिटी, ट्री सिटी। बिल्कुल छोटे, तेरे पेपर हो गए दक्ष, उड़ीसा। विच कंट्रीज नॉर्थ आइलैंड इज फेसिंग अ फ्लड इमरजेंसी अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट असेसमेंट ऑफ ओमिक्रॉन वेरियंट? ठीक है, तो फ्लड इमरजेंसी मतलब कि पानी वाली नहीं, ओमिक्रॉन वेरियंट के कारण। स्विट्जरलैंड में, आइलैंड कहाँ से आया, आइलैंड लिखा है, अफगानिस्तान में आइलैंड नहीं है, ओमान में नहीं है, आइलैंड कहाँ है, न्यूजीलैंड में है, दो में बचा हुआ है ना, दो में बटा हुआ है, नदन और सदन, जिनके बीच में कौन सी स्ट्रेट है, कुक स्ट्रेट है। वेन विल द यूरोपियन स्पेस एजेंसी जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर एक्सप्लोरर बी लॉन्च फ्रॉम द फ्रेंच गुयाना? कब लॉन्च होगा ये, अप्रैल 2023 में लॉन्च होगा। ठीक, इन विच सिटी डिड द फर्स्ट G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग बिगिन? आर्किटेक्चर से मैंने याद रखने बोला था, क्या याद रखने बोला था आर्किटेक्चर से, चंडीगढ़, क्योंकि चंडीगढ़ ऐसी सिटी है जिसको आर्किटेक्चर के द्वारा बनाया गया था, ली कार्बसर, है ना, तो याद रखना आप क्या है आंसर इसका, चंडीगढ़ में हुई है आर्किटेक्चर वाली मीटिंग। आंसर कहाँ गई? Where did the Patiala Military Literature Festival conclude that a new plateau found by ARI team could hold clues to plant survival? State अगर पूछे तो महाराष्ट्र। चार्जर नहीं है, फोन डिस्चार्ज हो गया तो। State अगर पूछे महाराष्ट्र पर, यहाँ पर पर्टिकुलरली क्या पूछ ली है, जगह पूछ ली है ना, जगह पूछ ली है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ये, ठाणे महाराष्ट्र। ठीक, येलो बैंड डिसीज कहां पे हो रही है, जिस कारण से उस देश के जो कोरल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, कोरल्स क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। टोगो, थाईलैंड, ट्यूनिशिया या फिर तुवालू? बहुत ऑब्वियस सा आंसर होगा इसका, देखो है ना, थाईलैंड, क्योंकि इन सब में आइलैंड वाला एरिया ही कौन सा दिख रहा है हमको, थाईलैंड दिख रहा है ना। इन विच कंट्री डिड द यूएस मिलिट्री कंडक्ट अ रेड किलिंग अ की रीजनल लीडर ऑफ द इस्लामिक स्टेट ग्रुप बिलाल ए सुडानी? बिलाल ए सुडानी को मारा है किस देश में, केनिया, सोमालिया, युगांडा या फिर तंजानिया? बताओ आंसर, आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका सोमालिया। और हमारी जो फीमेल ग्रुप जो है यूएन पीस कीपर बन के गया था किस देश में, साउथ सूडान? नहीं, सिर्फ सूडान है वो, साउथ सूडान नहीं है। नेक्स्ट बताओ, विच बैंक, इसको जानने दो,
ये वाला बताओ, विच टू कंट्रीज साइंटिस्ट हैव रिसेंटली इन्वेंटेड एन आर्टिफिशियल सिनेप्स फॉर ब्रेन लाइक कंप्यूटिंग? अरे किसने कहा? सूडान कंट्री नहीं है। कहां से ऐसी भयानक जानकारियां लेकर के आ रहा है? हेती भी वही है ना, एक सूडान है और एक साउथ सूडान है। बताओ, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका, इजिप्ट, रशिया, फिर इसराइल, हेती, क्या होगा आंसर? आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आर्टिफिशियल सिनेप्स बना रहे हैं फॉर ब्रेन लाइक कंप्यूटिंग। इन विच स्टेट डिड द खेलो इंडिया यूथ गेम्स कमेंस ऑन 30th January? बताओ, खेलो इंडिया यूथ गेम की पूरी हिस्ट्री लिख देनी है तुमको। मध्य प्रदेश, ठीक है। मैस्कट बताओ कौन सा टॉप पे था, ये बताओ। मस्कट क्या था? आशा द चीता, ठीक है। और कौन जीता है ये बताओ। महाराष्ट्र, एमपी की रैंक क्या थी? एमपी की रैंक पिछले बार के कहां हुए थे? पिछली बार के हरियाणा में हुए थे, मैस्कट धाकड़ था, ठीक है। चलो, वेयर विल भारती एयरटेल स्पेंड ₹2000 करोड़ टू बिल्ड अ हाइपर स्केल डेटा सेंटर? एयरटेल कहां पर बना रहे अपना हाइपर स्केल डेटा सेंटर? एयरटेल अपना हाइपर स्केल डेटा सेंटर कहां बना रहे? हैदराबाद, पक्का? ठीक, चलो। विच कंट्री विल द प्रेसिडेंट ऑफ 77th सेशन ऑफ यूएन जनरल असेंबली कसाबा करोसी विजिट? ठीक है, यूएनजीए के जो चीफ है अभी, कसाबा करोसी विजिट, ठीक है, कसाबा नहीं साबा पढ़ेंगे इनको, ये किस देश गए? नेपाल, इंडिया, ईरान या फिर इंडोनेशिया? बताओ। जय हिंद लोकेंद्र। नेपाल गए, इंडिया आए, ईरान गए या फिर इंडोनेशिया, क्या होगा आंसर? आंसर क्या होगा इसका? इट विल बी इंडिया, डेफिनेटली। क्या होगा? इंडिया। और अभी रिसेंटली जर्मनी के चांसलर भी आए थे। वेयर वॉज द थर्ड इंटरपोल यंग ग्लोबल पीस लीडर रिपोर्ट हेल्ड? इंटरपोल, बताओ। इंटरपोल जो है, इनके पीस लीडर्स की मीटिंग कहां पर हुई है? चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद या फिर न्यू दिल्ली? हाँ, इंटरपोल का हेडक्वार्टर लियोन्स फ्रांस में है, बिल्कुल, और ये हुई है दिल्ली में, ठीक। इंटरनेशनल पुलिस, When will all government vehicle older than 50 years be scrapped? 15 years. Government के 15 साल से पुराने जो vehicle है वो कबाड़ में जाएंगे। August? नहीं, देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो गवर्नमेंट मंथ कौन सा चूज करती है? अप्रैल का, याद रखना। ब्रिक्स समिट होने वाला है साउथ अफ्रीका में, ये एडिशन कौन सा है इसका? ब्रिक्स समिट जो कि साउथ अफ्रीका में होने वाला है, ये एडिशन कौन सा है इसका?
है ना। और देखो ये रोटेशन वाइज होता है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के बाद 16वां ब्राजील में, 17वां रशिया में और 18वां होगा इंडिया में। ठीक है, ब्रिक्स कब बना था? 2009 में बना है। ब्रिक्स का जो बैंक है इट इज एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये 2016 में बना है। और एनडीबी में 9 मेंबर कंट्री है, 5 तो यही है, इसके अलावा बांग्लादेश, उरुग्वे और यूएई और नया इजिप्ट। और इसके जो पहले चीफ थे एनडीबी के वो कौन थे? कल बताए थे मुकेश, केवी कामत थे। कौन थे? केवी कामत। चलो, इंडिया एंड विच कंट्री साइन एमओयू टू इंट्रोड्यूस द 12 अफ्रीकन चीतास? कहां से आ रहे हैं चीता? साउथ अफ्रीका, साउथ सूडान, साउथ कोरिया या फिर सिर्फ सूडान, बताओ। साउथ अफ्रीका। 12 ले भी आए हैं हम, और वो कहां पर लाए हैं? कूनो नेशनल पार्क में। 8 पहले लाए थे, अब टोटल क्या हो गए हैं? 20 हो गए। और जो 8 लाए थे वो नामीबिया से लाए थे, याद रखना। वेयर वॉज द एससीओ फिल्म फेस्टिवल? एससीओ फिल्म फेस्टिवल की ग्रैंड सेरेमनी कहां पर हुई है? बेंगलोर, मुंबई, राजकोट या फिर जयपुर, बताओ। मुंबई है ना, ऐसी चीजें सबका होती है, मुंबई में होती है। विच कंट्री इज बिल्डिंग अ डैम ऑन द यारलुंग ज़ांगपो रिवर नियर द इंडियन बॉर्डर? ये नदी कौन सी है? यारलुंग ज़ांगपो, ये नदी है कौन सी? आंसर तो होगा इसका, ठीक है, चाइना लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रांस तो हमारे बगल में है नहीं, क्यूबा है नहीं है, है ना, जापान है नहीं है, बसता क्या है? चाइनी बसता है। ये कंट्री कौन सी है? कंट्री नहीं, सॉरी, ये रिवर यारलुंग ज़ांगपो किसका नाम है? ब्रह्मपुत्र का है। विच स्टेट सीएम लॉन्च 165 वेटरिनरी एम्बुलेंसेस, बताओ। पशु चिकित्सा एम्बुलेंस, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? आप तमिलनाडु से कंफ्यूज मत हो जाना, वो स्ट्रीट एनिमल एम्बुलेंस है। वो क्या है? स्ट्रीट एनिमल एम्बुलेंस है, ठीक है। आंध्र प्रदेश बोला गया है यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश होगा। विच कंट्री सिटी वॉज डेजिग्नेटेड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज एंड डेंजर साइट बाय यूनेस्को? अभी बताया था, अभी बताया था, बताओ। चाइना ना बेटा, ओडेसा, ओडेसा कहाँ था? यूक्रेन में था ना। विच कंट्री इशूड अ नोटिस सीकिंग मॉडिफिकेशन ऑफ द 1960 इंडस वाटर ट्रीटी? इंडस वाटर ट्रीटी जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान के साथ साइन की थी, जिसमें 70% पानी उनको मिल रहा था, 30 हमको मिल रहा था। अब भैया मोदी जी कह रहे हैं हम इसको रिव्यू करना चाहते हैं, हमारा बस चलेगा, हम जरा सा भी नहीं देंगे तुमको, ठीक है। इंडिया होगा आंसर इसका। Who has been selected as the ICC cricketer of the year? ये हो गया बाबर आजम, पद्म भूषण हो गए 6 लोग। Which country plans to allot the land to India, Indian industry in the Suez Canal special economic zone? आंसर 10 बार बताया हुआ है ये क्वेश्चन, गलत आंसर तो नहीं करेगा कोई? कौन सी कंट्री है भाई? इजिप्ट, डेफिनेटली सही आंसर क्या होगा? इजिप्ट होगा, इजिप्ट। हु लॉन्च लाडली बहना स्कीम? लाडली बहना स्कीम कहाँ की है भैया? लाडली बहना स्कीम मध्य प्रदेश की है ना। धनलक्ष्मी स्कीम वेस्ट बंगाल की है, दीदी सुरक्षा स्कीम भी वेस्ट बंगाल की है, ठीक, गुड। ब्रेकफास्ट स्कीम तमिलनाडु की है, अरुणाचल की मुझे कोई याद नहीं आ रही। शांति भूषण हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज विच फॉर्मर मिनिस्टर? शांति भूषण क्या मिनिस्टर रहे भैया? लखपति दीदी कहाँ की है? एमपी की होना चाहिए यार, बाकी नहीं पता, मेरे देखना पड़ेगा। लाली लक्ष्मी एमपी की है, हाँ। शांति भूषण क्या रही है? शांति भूषण जो है लॉ मिनिस्टर रही है, ठीक है, हालांकि कांग्रेस से थी। अकॉर्डिंग टू द बजट वॉट इज द रिवाइज एवरेज प्रोसेसिंग टाइम फॉर आई टी आर? आई टी आर इज इनकम टैक्स रिटर्न,
21 दिन, 20 दिन, 18 दिन या फिर 16 दिन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. क्या होगा आंसर? आंसर होगा इसका 16 दिन, है ना. इंडियन रेलवे को कितना बजट दिया गया है? इंडियन रेलवे का बजट बताओ कितना है. आंसर करो जल्दी जल्दी, तो स्लो क्यों हो जाते हो. 2.40 लाख करोड़, ठीक है. अकॉर्डिंग टू द बजट 2023, हाउ मेनी टूरिज्म डेस्टिनेशंस हैव बीन सिलेक्टेड फॉर डेवलपमेंट? ये तो याद होगा सबको, 50 कराई भी थी ना. हाउ मच मनी हैज बीन एलोकेटेड टू रिवाइव द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई? तो ये मैं बता देती हूँ, 9,000 करोड़. विच स्टेट स्टैब्लिश वॉन द पीपल्स चॉइस अवार्ड? रिपब्लिक डे पर पीपल्स चॉइस अवार्ड जो है गुजरात, है ना. और बेस्ट ट्रैवलर किसने जीता है? उत्तराखंड ने जीता है. हु हैज बीन रिवॉर्डेड एज अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय इंडियन यूके अचीवर ओनर ऑनर सॉरी निर्मला सीतारमन, मनमोहन सिंह, पीयूष गोयल या फिर रघुराम राजन? बताओ क्या होगा सही आंसर. मनमोहन सिंह, ठीक है. नेक्स्ट आ जाओ. विच ऑर्गेनाइज निधि आपके निकट हो गया? ईपीएफओ, है ना. क्वांटम कंप्यूटर कनाडा हो गया. नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल सर्वानंद सोनोवाल, ये हो गया है. पुअरेस्ट बांग्लादेश, है ना, मतलब पाकिस्तान की एकदम पुअरेस्ट थी और पुअरेस्ट से फास्टेस्ट ग्रोइंग किसकी बनी है? बांग्लादेश की. स्टार्टअप 20 कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है भैया हैदराबाद में, ठीक. नबा किशोर दास ये कहाँ के थे? उड़ीसा के थे. न्यूजीलैंड में फ्लड इमरजेंसी और ये अप्रैल 2023. G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर चंडीगढ़, ये बताओ. अच्छा ये भी हो गया. थाने महाराष्ट्र. येलो बैंड डिसीज थाईलैंड, कोरल के लिए था ये. इसका आंसर था सोमालिया. ये लग रहा है दो बार जोड़ दिया अंकित ने. ये मध्य प्रदेश, है ना. ये इंडिया आए थे, ये दिल्ली में हुई थी इंटरपोल वाली मीटिंग. व्हीकल अप्रैल से जो है 15 साल से पुराने हटा दिए जाएंगे. ब्रिक्स का 15 समिट साउथ अफ्रीका. 12 चीता साउथ अफ्रीका से लाए गए. एसटीओ फिल्म फेस्टिवल मुंबई में हो गया. चाइना जो है यारलुंग जांगपो रिवर पर ब्रिज बना रहा है हमारे बगल में, ठीक है. और यहाँ पर आंध्र प्रदेश में वो जानवरों के लिए एम्बुलेंस खोली गई है. यूक्रेन का उड़ीसा को डेंजर वाली साइट में डाला गया है, ठीक. इसके अलावा क्या है, इसको जाने दो. बाबर आजम क्रिकेटर ऑफ द ईयर, 6 लोग, पद्म भूषण, 6 नाम याद होने चाहिए. स्विस कैनाल किस कहां पे कौन लैंड दे रहा है हमको? इजिप्ट. किसको दे रहा है? इंडिया को दे रहा है, ठीक है. स्विस कैनाल बना कब था ये याद है क्या किसी को? कोई बता सकता है स्विस कैनाल कब बना था? बहुत ऐसा जाना पहचाना सा ईयर है उसका वैसे तो. गुड मॉर्निंग. हाँ वो 4 की वापस से आ गई है. स्वेज कैनल कब बना था ये पता है किसी को? हाँ इसका तो मुरली वजह है आंसर. चलो वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब होता है? वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब होता है? दो, 29, 26, 20 या फिर 30? ये होता है भैया 29th of Jan को. बेसिकली लास्ट संडे ऑफ जनवरी होता है.
इस बार हुआ है 29 जन को, लास्ट संडे ऑफ जनवरी। ठीक है, ये तो वही 2022 होगा। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन स्टोन किसने डाला है भैया? 1869 कनिष्का, गांधी जी का बर्थ ईयर। पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, प्रणब मुखर्जी या फिर अमित शाह? पीयूष गोयल नहीं, अमित शाह। वाइस चीफ ऑफ एयरफोर्स याद हो गए, एपी सिंह। ठीक है, विच आईआईएम इज रैंक्ड एट द टॉप एमबीए कॉलेज? टॉप एमबीए कॉलेज में किस आईआईएम ने टॉप किया है? इंदौर, बेंगलोर, जम्मू या फिर अहमदाबाद? बताओ। अहमदाबाद पक्का? ओके। पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर बनी है। विच कंट्री इन्वाइटेड इंडियन टेक प्रोफेशनल्स ड्यूरिंग अ ले ऑफ सेशन? ये बताओ, फिनलैंड, फ्रांस, अमेरिका या फिर जर्मनी? आंसर करो उसका। अच्छा, आंसर होगा इसका फिनलैंड। ठीक है, मुगल गार्डन कब बना था जिसका नाम बदल करके अमृत गार्डन कर दिया गया है? मुगल गार्डन कब बना था जिसका नाम बदल करके अमृत गार्डन कर दिया गया है? आंसर होगा इसका 1917 में। ठीक है, चलो अब ये देखो, पूरा तो हो नहीं पाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और तुम लोगों ने भी रिवीजन किया नहीं है, आंसर तुमसे बन रहे हैं नहीं, तो मैं ये जो पीडीएफ है अभी ग्रुप पे डाल देती हूँ। ठीक है, और आज बैठ करके सबको इसका रिवीजन करना है भैया, किसी भी स्थिति में, जिनका स्पेशली वो जिनका 16 तारीख को एग्जाम है, फरवरी तक का करंट अफेयर हम मान के चल सकते हैं कि आएगा ही आएगा, है ना? ठीक है, चलो कल मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय हिंद एवरीवन। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं है किसी को, कुछ भी? कहाँ से होगी, पढ़ते तो हो नहीं तुम, आते हो नहीं समय पे। चलो।